की आवाज मेरे कानों में नहीं गूंजी। जिसे उसकी माँ ने कबूल नहीं किया उसे तुम कबूल किए बैठी हो। तो बात मैंने हमेशा उससे छुपाई, आखिरकार उसके सामने खुली गई। कहीं जा रही हूँ। ट्रॉमा सीरियल दिल माने ना कि नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे, जैसे कि अब हानिया को बहुत ही जल्द ये मालूम हो जाएगा कि उसकी असल माँ कौन है, और ये फैसला कर लेगी कि वो हमेशा के लिए ये घर छोड़कर अपनी असल माँ के पास चली जाएगी। लेकिन उसे ये नहीं पता जिसने उसे बचपन में छोड़ दिया वो उसे अब क्या संभालेगी। लेकिन उस बेचारे को क्या पता कि उसकी माँ असल उसके लिए पल पल कैसे उसने गुजारा है और कैसे तरस रही है और उसकी क्या मजबूरी थी, वो बहुत ही जल्द ये भी हानिया को बता देगी। लेकिन अब हानिया को जिसने पाला होता है उसका कहना है कि मेरा कसूर क्या था, मैंने तो तुम्हें अपनी औलाद की तरह पाला, जो कुछ उनके लिए किया वही कुछ तुम्हारे लिए किया, बल्कि यहाँ तक अपने शोहर से तुम्हारी वजह से बहुत सी बातें भी बर्दाश्त की। लेकिन वो कह देगी कि आपने मेरे लिए तो बहुत कुछ किया है लेकिन मुझे इस घर में कभी भी बेटी का मकाम नहीं मिला, मुझे तो मेरी असल माँ ने अपने पास नहीं रखा, तो आप मुझे अपने पास कैसे रख लेंगी। लेकिन हानिया बेचारी को क्या पता कि उसकी माँ बेचारी की क्या मजबूरी थी और उस मजबूरी में उसने उसे छोड़ दिया। लेकिन वो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा रोती है, उसकी माँ एक एक उसके सिसकियों के पीछे बहुत ज़्यादा रोती है। तो इस तरह हानिया की असल माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो हानिया जब उनके पास चली जाएगी तो जिसने हानिया को पाला है वो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी।